नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे के नाम से। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जियोग्राफिकल टंग के बारे में। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं हमारे क्लिनिक में आते हैं और बार बार पहले से ही सेल्फ डायग्नोस करके वो आते हैं कि हमको क्या हो गया है, हमारे मुँह में क्या प्रॉब्लम हो गई है, जो कि क्या ये ठीक होगा कि नहीं होगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेके हमारे क्लिनिक में आते हैं। सबसे पहले तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब, अभी सवेरे सवेरे हम शीशे में अपना चेहरा देखे, जीभ देखे, तो जीभ पे आड़ी तिरछी रेखाएं थीं। ये सफ़ेद सफ़ेद दाग जो जीभ के ऊपर हो रहा है, क्या है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है? उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और बहुत ही पैनिक हो जाते हैं। तो मैं ये हमेशा आपको बता रहा हूँ कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी केयर आपको करना ज़रूरी है। बट ये है कि अपने मुंह के अंदर पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के चेंजेस को लेके सेल्फ डायग्नोस करके और पैनिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का आपको चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो जियोग्राफिकल टंग होती है, इसको हम लोग बिनाइन मैलिग्नेंट ग्लोसाइटिस बोलते हैं, मतलब कि जो सूजन हो जाती है जीभ के ऊपर, बहुत अजीब सी सूजन हो जाती है। ये क्यों होती है? तो ऐसा होता है कि जो हमारी जीभ होती है, उसकी जो ऊपर वाली परत होती है, जैसे कि जीभ के ऊपर की परत होती है, इसके ऊपर क्या होता है कि कई प्रकार के, मतलब चार प्रकार के पैपिलास पाए जाते हैं। और जो तीन प्रकार के पैपिलास होते हैं, उनका तो काम होता है आपका खाना को, टेस्ट को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। लेकिन जो फिलीफॉर्म पैपिला होता है, इसका मुंह के अंदर, हमारे जो ह्यूमन, स्पेशली ह्यूमन के मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है। तो जो फिलीफॉर्म पैपिला होता है, कभी कभी इसकी एट्रोफी हो जाती है, मतलब कि अचानक से इसकी, इसमें ग्रोथ होने लगती है। और ग्रोथ होने लगती है तो जीभ के ऊपर जहाँ जहाँ फिलीफॉर्म पैपिला है, वो धीरे धीरे करके अपने लेयर से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी और वाइट कलर के हो जाते हैं। तो जीभ के ऊपर, जियोग्राफिकल एरिया की तरह टंग के ऊपर आड़ी तिरछी रेखाएं खींच जाती हैं, इसी कंडीशन को जियोग्राफिकल टंग कहते हैं। और ये कॉज के बारे में जानते हैं, तो इसका कॉजेस कुछ इतना खास नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का सिम्टम्स और साइन आपको दिखाई नहीं देते हैं। बट आप अगर बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आपको लगेगा कि आपके जीभ के ऊपर थोड़ा सा आपको बर्निंग सेंसेशन आपको दिखाई देगा। इसका कारण क्या होता है? जो जियोग्राफिकल टंग है, इसका मेन कारण आपका होता है कि किसी भी प्रकार की जो आपकी त्वचा की रोग हैं, मतलब कि सोरियसिस अगर आपको है, तो आपको हो सकता है कि उसके कारण जियोग्राफिकल टंग हो जाए। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर आपका जो लार है, जो मुंह के अंदर लार के बनने की प्रक्रिया है, वो थोड़ी थिक है, लार गाढ़ा है, तो फिर आपको जियोग्राफिकल टंग हो सकता है। और फिर या तो फिर आपका जो मुंह के अंदर या आपके बॉडी के अंदर जो एनीमिया है, मतलब कि स्पेसिफिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया अगर आपको हो रहा है, तो भी आपको जियोग्राफिकल टंग हो सकता है। जियोग्राफिकल टंग को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इसको आने वाले समय में इसे कैंसर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इसको ठीक करने के बारे में अगर सोचेंगे, तो सबसे पहले तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है कि आप जियोग्राफिकल टंग को ठीक कर लीजिए। हाँ, अगर जिस कारण से ये हो रहा है, उस कारण को अगर आप ठीक कर सकते हैं, तो आप जियोग्राफिकल टंग को आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी प्रकार की सोरियसिस है, मतलब जैसे मैंने बताया कि त्वचा रोग है, तो उस त्वचा रोग को आप ठीक करेंगे, तो आपका जियोग्राफिकल टंग ऑलरेडी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। या तो फिर आपका लार काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो उस लार के गाढ़ेपन को भी अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे, तो फिर आपका जो आपका जियोग्राफिकल टंग है, वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी प्रकार का एनीमिया है, तो उसके भी आपका जियोग्राफिकल टंग ठीक हो सकता है। इसके लिए आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपनी केयर कीजिए और अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। बट ये ध्यान रखिए कि आपको जो अपना भोजन का आहार है, जो अपनी डाइट है, उसको एक संतुलित मात्रा में अगर आप अपना भोजन लेंगे, तो फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये हमेशा याद रखिएगा कि अपने भोजन के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, सेलेनियम ज़्यादा होना चाहिए और आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जानी चाहिए।
तो अगर ये आपके भोजन के अंदर प्रॉपर ये पाए जा रहे हैं तो आपकी जो फिलिफॉर्म पैपला की जो एट्रोफी है वो नहीं होगी और किसी भी प्रकार का जीभ का फिकल टंग आपकी जीभ के ऊपर अलग सा लक्षण नहीं दिखाई देगा। तो आज के टॉपिक में यही इतना बताना था और अपना ध्यान रखिए, लेकिन किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चेंजेस को लेके पैनिक मत होइए, क्योंकि पैनिक होंगे, टेंशन में आएंगे तो टेंशन से बहुत सारी प्रॉब्लम आपको अलग से हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में, और जिसको प्रॉब्लम हो उसको शेयर कीजिए। और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे देता हूँ, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपके मुंह से रिलेटेड है, दांतों से रिलेटेड है, या आपके अल्सर से रिलेटेड है, ओएसएमएफ से रिलेटेड है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।